और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर, हैदराबाद के 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तेलंगाना पुलिस को इस कारनामे के लिए बधाइयां भी बहुत आ रही हैं। पूरा देश उबल रहा था इस मामले के बाद से। इस पर हम बात करेंगे बॉलीवुड के अभिनेता रजा मुराद से और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले पर। रजा मुराद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजियाना न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? एक मिसाल है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जी बिल्कुल, ये मिसाल जो है बिल्कुल सही साबित हुई है। जी उन चार दरिंदों ने एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ की, उसका बलात्कार किया, उसे जबरदस्ती शराब पिलाई, जी उसका गला घोंट दिया और जी उसको जला दिया, पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया। जी जी तो जी जो सुलूक उन्होंने किया था, जिंदगी छीनी थी जी कुदरत ने, उनकी जिंदगी छीन ली। जी और बिल्कुल मुल्क में एक बहुत ही डर और दहशत का माहौल हो गया था। जी इनके भी बच्चियों के वालदेन हैं, माँ बाप हैं, वो बड़े फिक्रमंद हो रहे थे जी और हर इंसान जो है, हर बाशिंदा जो है वो गुहार लगा रहा था। देखिए, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है जी बिल्कुल इसमें बड़े लूपहोल्स होते हैं। जी इसमें लूपहोल्स ये होते हैं कि अगर फैसला सेशन कोर्ट ने आपके खिलाफ दिया है तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जी वहां से भी फैसला अगर आपके खिलाफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जी सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको आपके हिसाब से जजमेंट नहीं मिलता है जी तो फिर आप रिविजन पिटीशन फाइल करते हैं, जी फिर आप प्रेसिडेंट के पास मर्ज पिटीशन फाइल करते हैं। जी वहां एक लंबी कतार लगी हुई है, जी तो इंसाफ मिलने में साल साल लग जाते हैं। जी और अंग्रेजी में जो एक कहावत है कि द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जी इंसाफ देर में मिलता है जी तो इंसाफ का खून होता है। जी तो बिल्कुल अभी ये ह्यूमन राइट कमीशन वाले चिल्ला रहे हैं, इन्हें चिल्लाते दीजिए, ये हमेशा चिल्लाते हैं। जी जी और जी अगर इनको डाउट है तो जाइए, हमारे मुल्क के अदालतों के दरवाजे खुले हैं, आप प्रूव कीजिए कि ये एनकाउंटर जो है, अगर आपको इसमें कोई शक है। लेकिन लेकिन जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, जी ये कुदरत की तरफ से हुआ है, ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का इंसाफ है। और मैं मुबारकबाद दूंगा हैदराबाद की पुलिस को जी जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। पूरा मुल्क जो है, पूरे मुल्क में खुशी की लहर है, हर इंसान जो है चैन की सांस ले रहा है। जी और ये जो भी किया है उन्होंने, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, तो जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल जायज हुआ है, जी सही हुआ है। जी रजा मुराद जी, लेकिन ये एक हैदराबाद की घटना है जिसमें 4 आरोपी ढेर हो गए हैं। इससे तो देश की जनता के दिल में काफी ठंडक पड़ी है, लेकिन इसके बाद भी कई तरह के मामले सामने आए हैं। सरकार में कड़े कानून बनने की बहुत जरूरत है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैंने तो आपसे कहा ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस है। जी 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था, जी उनके उनके दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जी लेकिन अब तक जो है वो जिंदा है, वो सांस ले रहे हैं। जी तो बिल्कुल फिर ये इंसाफ से, अगर 7 साल के बाद भी अगर यही डेमोक्रेसी है, अगर यही प्रजातंत्र है, तो मैं सलाम करता हूँ इस प्रजातंत्र को जी कि इंसाफ इतनी देर से मिलता है। जी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही खुले जाते हैं? जी क्यों फैसला जो है 1 महीने के अंदर नहीं होता? जी क्यों क्यों इतना उसको घसीटा जाता है? जी क्यों इतनी देर लगाई जाती है? जी तो बिल्कुल इसके एकदम फास्ट ट्रैक कानून होने चाहिए। जी भोपाल में एक गैंग रेप का केस आया था, जो कुछ लड़कों ने रेलवे ट्रैक पे एक लड़की का बलात्कार किया था, जी तो 1 महीने के अंदर अंदर फैसला आ गया था। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होना बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नहीं। जी प्रॉब्लम ये है। तो फिर ये है कि कानून को भी जो है अपने अपना जो फैसला है जी वो आपको फास्ट ट्रैक पे लेना होगा। इस तरीके से तो पूरी जिंदगी निकल जाती है और फिर कहते हैं साहब हम तो 15 साल से इस टॉर्चर में है कि हम हमें फांसी होने वाली है, तो इस जो हमें टॉर्चर हुआ है जी उसके बदल में आप हमारी सजा मौत माफ कर दीजिए। तो ये सारी बातें होती है। तो जी जो हुआ है सही हुआ है और ये
तमाम बलात्कारियों के लिए, तमाम स्पेशल एलिमेंट के लिए ये एक बहुत बहुत आंखें खोलने वाला ये चैप्टर हुआ है। जी रजा मुराद जी, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी देखी जाती है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे महिला जागरूकता के लिए? वैसे तो अभियान चलाए जा रहे हैं, कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहूंगा, जी ये बच्ची थी, इसका बिचारी का टायर पंक्चर किया था इन्होंने, जी और मदद करने के बहाने फिर उसको दबोच दिया बच्ची को। जी बिल्कुल तो ये है कि अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, जी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, और बच्चियों को हर स्कूल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जी बिल्कुल बहुत जरूरी है अपने बचाव के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। जी उनके पास ये हुनर होना चाहिए अपने आप को बचाने का। जी अगर आप एक अच्छे मार्शल आर्ट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ठीक ठाक लोगों को निपटा सकते हैं आराम से। जी 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 वो एक ऐसा गुर है, या कुछ ऐसे स्प्रेज आते हैं जी जिन्हें अगर आप जिन्हें आप छिड़के जी तो आदमी की आंखें जो है वो काम करना बंद कर देती है। जी तो ये तमाम चीजें जो है ये लड़कियों को भी अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने पास रखनी चाहिए। जी तो मैं यही कहूंगा कि स्कूल्स में अनिवार्य होना चाहिए मार्शल आर्ट जी बच्चियों के लिए, और उन्हें बिल्कुल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में जी वो किस तरीके से सामना करें। जी ये ट्रेनिंग हर हर स्कूल में अनिवार्य होना चाहिए। जी बिल्कुल, जागरूकता के लिए हर स्कूल में हर बच्ची को, हर महिला को जागरूक किए जाने की दिशा में यह काम किए जाना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिशें कर ही रही है, लेकिन औरत को अपनी इज्जत बचाने के लिए, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल जी रजा मुराद जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के अभिनेता रजा मुराद जी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर हमसे बात की। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीजे आना न्यूज़ के साथ।